बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं। UPL अमीन ज़िंदगी अकाउंट, UPL का एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं ज़िंदगी अकाउंट, और सिर्फ पेंशनर हजरात के लिए है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 60 ईयर से जो अबव हैं, हाँ वो मेल है या फीमेल है, वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये सेविंग अकाउंट की टाइप है। यहाँ एक बात कहता चलूँ व्यूअर्स के, आपसे पहले भी मैं रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को व्यू करें टिल एंड, क्योंकि इसमें आप स्टार्ट में देख लें या उसको सेंटर में देखें तो आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप स्टार्ट से एंड तक नहीं देखेंगे, आपको अकाउंट की सारी क्लेरिफिकेशन तब ही समझ आएगी। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। UPL अमीन ज़िंदगी अकाउंट। UPL अमीन ज़िंदगी अकाउंट फुलफिल्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन बाय ऑफरिंग हाई यील्ड कॉम्पिटेटिव रेट्स अंडर शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट मोड। यानी कि बैंक ये अकाउंट सीनियर सिटीजन यानी कि 60 ईयर से अबव या जो रिटायर्ड पर्सन है, पेंशनर है, उनके लिए ये ऑफर करता है। All individual single and joint account holder aged 60 year and above are eligible to this scheme. However, in case of joint account, at least a primary account holder should be aged 60 year or above. तो ये अकाउंट है 60 year के लिए एजड जो शख्सियात हैं। इसमें ये वो ये कह रहे हैं एलिजिबिलिटी में कि अगर कोई दो बंदे अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं यानी कि जॉइंट अकाउंट, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर यानी कि जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा उसको 60 ईयर से अबव होना चाहिए। दूसरा जो सेकेंडरी साथ उसके होगा वो मे बी 40, 35, 50, 55 इसने तक होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो प्राइमरी है उसको 60 प्लस होना चाहिए। मिनिमम डिनोमिनेशन द अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ PKR 100। 100 रुपये इनिशियल डिपॉजिट से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैलेंस लिमिट, देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इतने कम पैसे हुए तो इस पर कटौती होगी, या इसमें ज़्यादा अमाउंट जितनी आप जमा करना चाहें कर सकते हैं। की फीचर्स में आ जाते हैं, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स। फ्री इंटर ब्रांच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंट्री वाइज, क्या अगर आप ये अकाउंट चला रहे हैं तो आप कहीं पर भी अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अंदर, जहाँ पर भी UPL है या किसी बैंक में भी। फ्री फर्स्ट इशोरेंस और 25 लीव चेक बुक। पहली चेक बुक जो आपको 25 पेजेस की इशू होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बैंक उस पर कोई चार्जेस नहीं लेगा। फ्री अमीन वीज़ा क्लासिक चिप डेबिट कार्ड इशोरेंस एंड एनुअल फ़ी। तो आपको जो ATM कार्ड इशू होगा वो है अमीन वीज़ा क्लासिक चिप डेबिट कार्ड, उस वो इशू भी फ्री होगा और उसकी एनुअल फ़ी भी नहीं है। फ्री ओवर द काउंटर कैश डिपॉजिट, कैश काउंटर पे आप फ्री अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्री इशूएंस कैंसिलेशन ऑफ कैशियर चेक, CC या पे ऑर्डर अगर इशू करवाना चाहिए या उसको कैंसिल कराना चाहिए उस पर कोई चार्जेस बैंक नहीं लेगा। फ्री चेक रिटर्न अनपेड फ्रॉम पेड अकाउंट इन आउटवर्ड क्लियरिंग। अगर आप एक चेक जमा करते हैं अपने अकाउंट में और वो चेक है फ़र्ज़ करें हबीब बैंक का, और किसी वजह से वो चेक रिटर्न हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना बैंक 580 रुपये चार्जेस काटता है, तो इस अकाउंट में वो चेक रिटर्न के चार्जेस भी एग्जम्प्ट हैं। इस पर आपको फ्री दे रहा है बैंक, कोई चार्जेस नहीं काटेगा। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, इंटरसिटी क्लियरिंग भी फ्री है। इंटरसिटी क्लियरिंग से मुराद वो क्लियरिंग जो विद जो अपने डिस्ट्रिक्ट अपने सिटी से बाहर का चेक हो। लेट्स सपोज आपका अकाउंट है जो DI खान में और आपका चेक आया है मुल्तान का, तो आपको जो वो मुल्तान जब क्लियरेंस पे जाएगा तो वो इंटरसिटी में आएगा, तो उस पर बैंक कोई चार्जेस नहीं लेता। फ्री डुप्लीकेट कैशियर चेक, अगर एक CC या कैशियर चेक आपसे मिसप्लेस हो गया और आप डुप्लीकेट इशू करवाना चाह रहे हैं तो बैंक आपसे वो भी चार्जेस नहीं लेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करेगा। फ्री डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट, आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी फ्री में इशू करके देंगे अगर डुप्लीकेट चाहिए या जो जिस टाइम भी आपको रिक्वायर्ड हो। फ्री UPL गो ग्रीन SMS अलर्ट, UPL के जो SMS अलर्ट्स हैं गो ग्रीन वो सर्विसेज, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेशन, द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन डेली एवरेज बैलेंस एंड पेड ऑन मंथली बेसिस, कि जितना आपका बैलेंस है उसके मुताबिक डेली कैलकुलेट होगा और मंथली यकम को यकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेट्स सपोज कि आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और कल आपने 1 लाख निकाल लिए और 9 लाख बचे, और पूरा महीना 9 लाख बैलेंस रहा है और मंथ के दिन है 30, तो आपको 29 दिनों का 10 लाख का सॉरी 9 लाख का प्रॉफिट मिलेगा और एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। दिस प्रोडक्ट विल बी पार्ट ऑफ जनरल पूल, द प्रॉफिट रेट विल बी एस्टिमेटेड फ्राम द वेटेज अनाउंस बाई UPL अमीन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, कि जो भी प्रॉफिट का रेट UPL अनाउंस करेगा आप पे वही लागू होगा। कैलेंडर मंथ वो है जनवरी से दिसंबर तक,
The applicable profit rates will be recalculated based on the weightage and mudharib share declared before the beginning of the month. This rate will also be limited to Islamic banking branches and windows on a regular monthly basis. वही बात आ गई. Contact your nearest UBL Amin Islamic banking branch or Islamic window in designated branches today for further detail or call now. अगर आप अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो UBL की कोई भी इस्लामिक ब्रांच या कन्वेंशनल किसी भी ब्रांच चले जाएं तो आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा. अगर ब्रांच दूर है तो आप हेल्पलाइन पे भी कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ 111-825-888 और 111 से पहले 021 आप कराची का कोड लाजमी मिलाएंगे, तब हेल्पलाइन का नंबर मिलेगा. ऑल सर्विस चार्जेस विल बी लिविड एज पर प्रिवेलिंग UBL Amin शेड्यूल ऑफ चार्जेस. तो SOC शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक तमाम इस पे चार्जेस जो है ना एग्जम्प्टेड हैं. ज़कात एंड विदहोल्डिंग टैक्स विल बी एप्लीकेबल एज गवर्नमेंट रूल. ज़कात और विदहोल्डिंग टैक्स इस पे लागू होगा जो कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक होगा. तो ये सेविंग अकाउंट है इसलिए ज़कात इस पे आएगी. अगर ज़कात आप नहीं देना चाहते तो एक बैंक चले जाएँ और वहाँ से एक CZ50 फॉर्म है वो लेके बैंक में जमा करा दें तो आपका अकाउंट ज़कात से एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो दोस्तों ये था UBL Amin जिंदगी अकाउंट 60 ईयर प्लस, जो कि शख्सियात हैं यानी जिसमें पेंशनर भी आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड भी आ जाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी मर्द औरत कोई भी हो वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें. इंशाल्लाह अगली वीडियो भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव होगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.